दीपावली के उल्लास में पूरे देश के साथ बेटमा भी रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। घर सोसाइटी के मकान बिजली की झालरों और दियो से रोशन हुए। लोगों ने शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजन करके पहले और घर को दियो से रोशन किया। दीपावली के उल्लास में पूरा देश रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। बेटमा में गली मोहल्लों के घर सोसाइटी के मकान रंग बिरंगी बिजली की झालरों और दियों से रोशन हुए। लोगों ने शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी का पूजन करके पहले घर को दीपों से रोशन किया, फिर बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पटाखे फोड़े। इससे पहले सुबह से ही बाजार में दीपावली की खरीदारी को लेकर रौनक देखी गई। 2 साल के कोरोना काल के बाद बाजार में इतनी भीड़ देखी गई, जिससे दुकानदार भी खुश नजर आए। दीपावली पर्व से जुड़ी हर दुकान पर भीड़ नजर आई, जिससे नगर के प्रमुख बाजार मार्गों में कई बार सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद जो है ये दिवाली, मैं ये समझता हूँ कि दिवाली अच्छी मन रही है। मार्केट में पिछले सालों के मुकाबले दुगना बूम है, दुगनी खरीदारी हुई है चारों ओर जो है मार्केट में। अभी हम ये कहें कि व्यापारी वर्ग भी खुश है और जो निर्माता है वो भी खुश है और दिवाली मनाने वाले सभी वो लोग भी सभी खुश हैं। दीपावली को सभी ग्रामीण बंधु एवं बेटमा नगर के देशवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोरोना काल के 2 वर्ष पूर्व में आज दीपावली का रौनक और बाज़ार में अच्छा माहौल रहा और बिक्री खरीदी भी बहुत अच्छी रही। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली का पर्व पूरे ही देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बेटमा नगर में भी आपको माहौल इसका देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो मेरे उधर चारों तरफ आपको पूरे बाजार में, मार्केट में पूरी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे बाजार में रौनक छाई हुई है। 2 साल के बाद कोरोना के बाद जब ये भीड़ थोड़ी ख़त्म हुई है, जो कोरोना ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद अब माहौल थोड़ा सा बाजार में देखने को मिला है। यहाँ पर बेटमा में भी 2 साल के बाद थोड़ी सी रौनक लौटी है। दुकानदार खुश है। आप देख सकते हैं दुकानों में किस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है। मैं दिवाली की सबको शुभकामनाओं के साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि बेटमा में भी ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजेंद्र सूर्यवंशी, कैमरा पर्सन सुनील मेघाया के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।